पदक न मिलने के बावजूद भी अगर जरा गौर से देखें तो कई विषयों में पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने काफी अच्छा कर्तव्य भी दिखाया है। अब देखिए शूटिंग के अंदर हमारे अभिनव बिंद्रा जी ने वे चौथे स्थान पर रहे और बहुत ही थोड़े से अंतर से वो पदक चूक गए। जिम्नास्टिक में दीपा कर्माकर ने भी कमाल कर दी, वो चौथे स्थान बहुत थोड़े अंतर के चलते मेडल से चूक गई। लेकिन ये बात हम कैसे भूल सकते हैं कि ओलंपिक के लिए और ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बेटी है। कुछ ऐसा ही टेनिस में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी के साथ हुआ। एथलेटिक्स में हमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया, हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन जो करते आए हैं वैसा ही करते रहेंगे तो शायद हम फिर निराश होंगे। मैंने एक कमिटी की घोषणा की है, भारत सरकार इन हाउस इसकी गहराई में जाएगी, दुनिया में क्या क्या प्रैक्टिसेस हो रही है उसका अध्ययन करेगी, हम अच्छा क्या कर सकते हैं उसका रोड मैप बनाएगी। 2020, 2024, 2028 एक दूर की सोच के साथ हमने योजना बनानी है। मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसी कमेटियां बनाएं और खेल हम क्या कर सकते हैं, हमारा एक एक राज्य क्या कर सकता है, राज्य अपने एक खेल दो खेल पसंद करें क्या ताकत दिखा सकता है। मैं खेल जगत से जुड़े एसोसिएशन से भी आग्रह करता हूं कि वे भी एक निष्पक्ष भाव से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और हिंदुस्तान में हर नागरिक से भी कि जिसको भी उसमें रुचि है वो मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर सुझाव भेजें, सरकार को लिखें, एसोसिएशन चर्चा कर करके अपने मेमोरेंडम सरकार को दें, राज्य सरकारें चर्चाएं कर करके अपने सुझाव भेजें। लेकिन हम पूरी तरह तैयारी करें और मुझे विश्वास है कि हम जरूर 125 करोड़ देशवासी, 65% युवा जनसंख्या वाला देश खेल की दुनिया में भी बेहतरीन स्थिति प्राप्त करें, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है।